हेलो फ्रेंड्स, मैं शताब्दी शताब्दी द किचन्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ इल्सा मछली और पम्पकिन की एक नई रेसिपी, जो बहुत लोगों ने शायद कभी खाई नहीं होगी। ये एक बंगाली पॉपुलर डिश है जिसे बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं ये रेसिपी बनाकर मैं आप लोगों के साथ किस तरह से शेयर करती हूँ। आप लोगों ने रोहू, कातला और प्रॉन, बहुत सारी मछलियाँ बनाकर खाई होंगी, लेकिन यहाँ वेस्ट बंगाल में जो मजा इल्सा मछली का आता है बनाने का और खाने का, वो एक अलग ही टेस्ट लाता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इल्सा मछली की एकदम ईजी एक रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही इजी होगी और खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनती है। इल्सा मछली अगर बन जाए तो और किसी भी रेसिपी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप दूसरे मछलियों को सबसे पहले थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर मैरिनेट करके रखते हैं, तो इस मछली में भी थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर मैं अच्छे से लगा लूंगी पहले, और उसके बाद इसको 5 मिनट तक रखूंगी। इसमें थोड़े से कांटे जरूर होते हैं, लेकिन मछली का टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आप लोगों को बार बार बना के खाने का मन करेगा। अब कढ़ाई गर्म करने के लिए रखा है मैंने। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाती है तो यहां मैं सरसों का तेल डालूंगी, करीबन 4 से 5 चम्मच। इल्सा मछली हो और चाहे कोई भी मछली हो, हमेशा सरसों के तेल से ही उसका स्वाद बढ़ जाता है। अब इसमें मैं धीरे धीरे से जो मछलियां हैं उनके पीसेस रखूंगी फ्राई होने के लिए। इन मछलियों को बहुत देर तक फ्राई करने की जरूरत नहीं होती है, ये थोड़ी ही देर में फ्राई हो जाती है। देखिए ये फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसको एक प्लेट में रख लेती हूँ। और दो पीसेस थे उसको भी मैं तल लेती हूँ। ये भी मेरी अच्छे से भून गई है, अब मैं इनको भी निकाल के रख लेती हूँ। इसी तेल में मैं यहाँ 1/2 टीस्पून कलौंजी डाल रही हूँ, 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ जिनको बीच से मैंने काट लिया है, 1 छोटा सा टमाटर काट के डाला है। इसमें ज्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं। टमाटर जल्दी से स्मैश हो जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल दे रही हूँ। अब थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरह से भून लूंगी ताकि टमाटर जल्दी से मैश हो जाए। देखिए टमाटर बिल्कुल स्मैश हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी छोटे छोटे कटे हुए कद्दू के पीसेस, मतलब कि पम्पकिन। तो आज मैं इल्सा मछली जो है वो पम्पकिन के साथ बना रही हूँ। ये बंगाली डिश है, तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है, बनाकर खाया नहीं है। अब इसको थोड़ी देर तक फ्राई कर लूंगी। इसमें डालूंगी मैं 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालूंगी। के लिए इसको ढक दूंगी ताकि जो कद्दू है, मतलब पम्पकिन है, वो अच्छे से सीज जाए।
करीबन 5 मिनट हो चुके हैं, अब देखिए देख लेते हैं। देखिए कद्दू बहुत जल्दी ही पक जाता है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। और मछलियों को इसमें रखूंगी अब मैं। ऊपर से अब मैं और 5 मिनट के लिए इसको ढक दूंगी ताकि अच्छे से ये सब्जी पूरी बनकर तैयार हो जाए। इल्सा मछली बंगाल की एक बहुत ही फेवरेट मछली मानी जाती है, तो आज मैंने पम्पकिन के साथ ये रेसिपी बनाई है। आप लोगों ने पूरी वीडियो मेरी अगर देखी होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से ये रेसिपी बनाई है। बिल्कुल ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है ये। गरम चावल के साथ तो ऑसम लगती है। तो दोस्तों, अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो जरूर लाइक और कमेंट करके बताइएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और जिन दोस्तों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर दें। तो दोस्तों देखिए, ये रेसिपी मैंने सर्व कर दी है, अब आप इसको गर्मा गर्म चावल के साथ खा सकते हैं। मतलब कि आप खुद बनाइए रेसिपी मेरी देखकर और गरम गरम चावल के साथ खाइए। बेल आइकन अगर आप क्लिक कर देंगे तो मेरी नई नई रेसिपीज की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करेगी। तो दोस्तों आज चलती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ मिलने आऊंगी। आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ इल्सा मछली और पम्पकिन की एक नई रेसिपी।